गुस्सा हो रहा है क्योंकि पहले आगे जाने में थोड़ा कम आ रहे हैं। देसी जलावन का जुगाड़ देखिए, आप लोग देख ही पा रहे हैं। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा आपको। हम अभी पटेना चौक से निकल रहे हैं, अभी यहाँ पे स्टिंग पिए हैं दोनों भाई, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी चलिए आगे देखते हैं, आगे का रिव्यू करेंगे। आप लोग वीडियो देखिएगा पूरा, वीडियो मतलब कि कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए ये हुआ लोडिंग, इसको लोडिंग कहा जाता है बाइक पे। फाइनली अभी हम ये पटेना प्लस का क्या बोलता है, ये हाई स्कूल है यानी प्लस टू सिंहेश्वर उच्च विद्यालय है। आप लोग देख सकते हैं अररिया जिला का है ये पटेना। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए देखिए मेरा भाई मौलवी साहब, देखिए अभी कुछ होने वाला था, थोड़ा सा मिस्टेक होता तो अभी दोनों गिर जाते। देखिए ये ट्रैक्टर में देखिए ईंट कितना लोड है, इतना ये लोड नहीं करना चाहिए था भाई को, काफ़ी ज़्यादा लोड कर चुके हैं। देखिए ये अंकल का बॉडी देखिए आप, सर पे हाथ पे दुख नहीं रहा उसका। फाइनली आपको हम दिखा रहे हैं देसी जलावन का जुगाड़, देखिए आप लोग देख ही पा रहे हैं कितना भयंकर है। जा रहे हैं, फाइनली मेरे पीछे एक टेम्पो था जो कि काफ़ी लोडिंग था, उसमें टेम्पो वाला बहुत साधारण तरीके से आ रहा है, अचानक चाहिए और भाई रोड तो बहुत ख़राब है, इधर का रोड गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये पिकअप वाला काफ़ी रेसिंग में है और ये देखिए फाइनली मक्का लोड करके आता हमारे गांव के देहात का। ये मक्का लोडिंग ऐसे ट्रैक्टर पे आते हैं और अभी कभी ये मैं आपको हम दिखाना भूल गए पीछे दिखाते, अभी का टाइम में भी लोग सर पे मक्का लेके आते थे। यहाँ एक मैदान था आगे साइड, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट के नाम से जाना जाता है डेगटिया के मैदान। फाइनली हम अभी तारावाड़ी चौक पहुँचे हैं, उधर से आते हुए हम स्टिंग यहीं पिए थे। स्टिंग मेरा अभी ये 3 मंथ से बहुत फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं हम, हमको बहुत बेस्ट लगता है और जो कि हम यहीं से स्टिंग पी के निकले थे। फाइनली हम आ चुके हैं तारावाड़ी चौक, और क्योंकि तारावाड़ी भी बहुत बढ़िया मार्केट है या काफ़ी नामचीन मार्केट जाना जाता है। फाइनली अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि ये पिकअप आगे जाने में थोड़ा कम दिक्कत हो रहा है। ये तारावाड़ी मार्केट है, देखिए इसमें काफ़ी भीड़ है और इधर तारावाड़ी जो कि क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन भी है, जो कि एक बार हम गए भी हैं इसमें, हाँ पुलिस स्टेशन कोई काम था। और भाई का लुक बड़े ज़बरदस्त है चश्मा के साथ, आप कवर नहीं कर पाए। फाइनली देखते हैं ये हाट, इसको हटिया बोलते हैं शायद, तरावाड़ी हटिया। ये हटिया भी अगर बहुत बढ़िया हटिया है, यहाँ सब्जी ताज़ा ताज़ा मिलता है क्योंकि रेगुलर यहाँ पे हटिया लगता है ये चौक पे। तो ये पिकअप वाला शायद हमको साइड देने का नहीं सोच रहा है, कोई एरर इसका दिमाग में चल रहा है, तो ये शायद गुस्सा हो रहा है क्योंकि पहले भी इसे साइड लिए थे एक बार हम इसी वजह से। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। चलिए भाई देख के हमको मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे भैया, अभी देखते हैं भैया लहराते हुए भाई को। फिलहाल हम ही भैया के पास पहुँचने ही वाले हैं, नहीं नहीं अलकट बच्चा सबको ले लेना है, सब बढ़िया है, छोड़ दीजिए बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बच्चा सब भी अभी का समझते हैं कि पीक हमको खींचना है तो थोड़ा क्रेविटी चाहिए और जाके क्या बोलते हैं उसको, आपको मतलब थोड़ा बढ़िया ढंग का दिखना चाहिए पीक, इसी वजह से।
ये मकई तो ये अब क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ का इधर का कल्चर हो गया है रोड में मक्का को सुखाना, बट अब कर भी क्या सकते हैं, ये यहीं का प्रॉब्लम नहीं है, गलत तो है बट हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जरूरी लेकिन हाफ लेना चाहिए जो है, ये कुछ ज़्यादा ले लिया है रोड को, इतना नहीं लेना चाहिए। ट्रक या बाइक को जाने में दिक्कत हो जाता है क्या, कोई एक गाड़ी आ रहा हो दूसरा जाने में प्रॉब्लम आ जाता है। और फर्स्ट बात तो ये है, सबसे बड़ा बात कि इसमें अगर कोई सा भी बाइक का, सबसे बुरी बात यह है अगर गलती से इसमें थोड़ा सा स्पीड में बाइक चले गया तो आप गिर जाइएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आप नहीं गिरिएगा, थोड़ा सा स्पीड में आप बाइक जाइएगा लेके मक्का में तो 110% है कि आप बाइक से गिर जाइएगा, क्योंकि मक्का में बहुत ज़्यादा गाड़ी फिसलता है और फिसलेगा भी, क्योंकि ये मक्का जो है कि थोड़ा ये दूसरा टाइप का होता है इसी वजह से। और देखिए आगे ये फटपटिया लगा हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं धान का वो क्या होता है भुस्सा, वो लोडी है। और ये जगह जो है कि बहुत ख़तरनाक जगह है, खास करके ये मोड़, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार एक्सीडेंट हुआ है, एक बार मेरे से भी होने ही वाला था बट हम बचा लिए थे, वो काफ़ी दिन का बात है। जी बिल्कुल काफ़ी दिन का बात है, एक बार ऐसे ही शायद हम अररिया जा रहे थे कोई काम से, देखिए ये स्टंट करने वाला जो है ना, बिहार में भी स्टंट करने वाला, और बिहार को तो दूर की बात रहा, बिहार में तो काफ़ी सारे हैं बट हमारे अररिया जिला में, और कुर्साकांटा प्रखंड है छोटा सा, मतलब ये प्रखंड कहा जाए तो बहुत बड़ा है बट कुर्साकांटा प्रखंड के बहुत सारे जो है कि अभी भी नौजवान हैं जो कि स्टंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट ये लोग को भी मौका मिलना चाहिए, जैसे अभी एक भैया करके गए थे, अगर ये मतलब ज़िंदगी से एक होता ना प्यार इंसान को, बट भैया को शायद नहीं थे इसी वजह से, और ये शायद कान में हेडफोन लगा हुआ था, शायद हेडफोन लगा हुआ था इसका, इसी वजह से जो है कि वो शायद कहीं बात कर रहे थे, कोई दिक्कत हुआ होगा इसको, इसीलिए फाइनली अभी हम ये राम प्रसादी चौक बोलता है इसको, सोनापुर राम प्रसादी चौक, ये बस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था मैं, और आगे निकल लिए। देखिए ये मक्का को सुखाने का प्रक्रिया जो है कि हम शुरू से आपको दिखाते आ रहे हैं बट आप कर क्या सकते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते उसको, क्योंकि आप कितने कितने को मना कर पाएंगे हम, ये बताइए आप। और आगे चलते हैं, सुबह तो यहाँ बच्चा सब जो मिला था वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी था कि वीडियो बन रहा है मेरा, काफ़ी खुश था बच्चा सब, अभी फिलहाल बच्चा तो दिख नहीं रहा है, एक दो हैं तो उससे अब क्या बात करें। और जाके ये शायद यही बच्चे से वो तभी भी थे, कुछ रिएक्शन लग रहा था उसका फेस से, और आगे हम निकल रहे हैं अभी। चलिए अभी ये कमलधा क्या बोलता है इसको हातिम चौक यहाँ पे आए हैं, यहाँ से आपको दिखाएंगे, रेलवे ट्रैक भी है नया बन रहा है, आपको रेलवे ट्रैक पे लेके जाएंगे, शायद इधर ही बन रहा है, किधर लेके जाएं आपको, चलिए इधर ही लेके चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, रेलवे ट्रैक बन रहा है इधर, अब पता नहीं इधर जाना सही है या गलत है, लेकिन देखते हैं, आ तो रहा है, चाहे चलते हैं घूम के आते हैं, दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा है, पास होने देते हैं, इधर ही साइड में लगाना पड़ेगा गाड़ी, दोनों गाड़ी निकलेगा उसके बाद जो कि हम आगे बढ़ेंगे विस्तार रूप से। आगे चलते हैं हम लोग, उधर से निकालेंगे, पूरा पैर उर जो है कि गंदा हो गया है, धूल ही ऐसा है, धूल मिट्टी। चलिए आप लोग देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक बन रहा है, आगे काम चल रहा है, वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ धूल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको ले कर आएंगे, पूरा बढ़िया से रिव्यू करेंगे। ये बैठ, ये शायद रेलवे सिल्लीगुड़ी तक ये रेलवे ट्रैक बनेगा, भैया बाइक ले, ये ट्रैक्टर से आ रहे हैं काफ़ी स्पीड में, ओ माय गॉड, प्रयास करेंगे, ओहो, चलिए भैया जी तो समझदार थे, ब्रेक मार दिए, हमको लगा कुछ इधर उधर करेंगे बट भैया जी सही थे। चलिए आगे भी आप देख सकते हैं, उधर भी काफ़ी दूर तक अभी बन रहा है, तो आपको हम नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर आपको पूरा रिव्यू करवाएंगे, थोड़ा सा अभी टाइम भी कम है और क्या कहते हैं, और रास्ता भी बढ़िया नहीं है इसी वजह से, अभी बन रही है, पूरा बढ़िया से बनने के बाद आपको बताएंगे। फाइनली हम लोग आस्था चौक पहुंच गए हैं,
और अपना मार्केट है, ये काफ़ी बढ़िया मार्केट है, हम आराम आराम से ही चलेंगे अपना मार्केट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेचन भाई की दुकान A1 टेलर्स है। हाँ, A1 टेलर भी यहाँ पे है। हेलमेट तो हम भी यूज़ नहीं कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन यूज़ करना चाहिए। मेरा सजेशन भी रहेगा कि हेलमेट सबको यूज करना चाहिए। देखिए ये गाड़ी वाला हेलमेट यूज कर रहा है, बढ़िया है, करना चाहिए। बाकी तो गांव का आदमी को हेलमेट का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा लग रहा है, शायद कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब भी देख सकते हैं, आदिवासी लोग हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये लोग भी कहीं कहीं से आके। और अभी फ़िलहाल हम ये कुर्साकंटा हाई स्कूल के रास्ते से ही जाएंगे। यहाँ पर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।